News 13 जय हिंद। सब दिल्ली वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज भाई दूज है और दिल्ली की हमारी सभी बहनों को इस भाई की तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी दिल्ली की सभी बहनों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से आपको दिल्ली की किसी भी बस में, DTC क्लस्टर कोई भी बस में सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपकी कोई टिकट नहीं लगेगी। आप लोगों की सबकी, महिलाओं की यात्रा आज से फ्री होगी और मैं ये सोचता हूँ कि इससे आप सब लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हम देखते हैं कि अपने देश में महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते, बराबरी के अवसर नहीं मिलते। हमारे देश की महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। जब भी हमारे देश की महिलाओं को अवसर दिए गए, हमारे देश की महिलाओं ने कमाल करके दिखाया है। चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे वो पढ़ाई की दुनिया हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वो बिजनेस की दुनिया हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमारे देश में महिलाओं को बराबर के अवसर मिले तो वो गजब करके दिखा सकती हैं। लेकिन हमारे देश में जो हमारे समाज की संरचना है, उनको बराबर के अवसर नहीं मिलते। जैसे मैं आपको एक दो आंकड़े देके बताता हूं। दिल्ली में जितने कामकाजी लोग हैं, काम के लिए जितने लोग निकलते हैं, उनमें केवल 11% महिलाएं हैं। केवल 11%, यानी कि 89% 89% आदमी हैं और कामकाजी लोगों में केवल 11% महिलाएं हैं। तो इसका मतलब उनको बराबरी के अवसर नहीं मिल रहे। अगर हम मेट्रो की बात करें, बसों की बात करें, दिल्ली मेट्रो में रोजाना यात्रा करने वाली केवल 30% महिलाएं हैं। बसों में, दिल्ली की बसों में रोजाना यात्रा करने वाली केवल 30% महिलाएं हैं, 70% आदमी हैं। इसी से साफ जाहिर है कि महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिलते हैं। अगर कहीं पे एक फैक्ट्री हो या कोई और जगह हो, वहां पे नौकरी पे रखा जाए, तो हम कई बार देखते हैं कि एक ही काम के लिए महिलाओं को कम पैसे मिलते हैं और आदमी को ज्यादा पैसे मिलते हैं। सेम काम के लिए महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, आदमी को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। और हमारे ही समाज के अंदर कई लोग, कुछ लोग बच्चा पैदा होने के पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता करते हैं कि जो कोख में बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की है। अगर पता चल जाए लड़की है तो उसको एबॉर्शन करा देते हैं। हमारे ही समाज में अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और अगर उन दो में से पिताजी के पास, पेरेंट्स के पास एक को पढ़ाने के पैसे हों, तो वो बेटे को पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते। इस तरह की बहुत सारी असमानताएं हम अपने समाज में देखते हैं महिलाओं को लेके। हम कितने, मैं पर्सनली कितने ऐसे लोगों को जानता हूं कि बेटी को स्कूल में जाना है, बेटी को कॉलेज में जाना है, कॉलेज बहुत दूर है, आने जाने का खर्चा नहीं है, तो बेटी की पढ़ाई रुक जाती है, स्कूल की पढ़ाई रुक जाती है, कॉलेज की पढ़ाई रुक जाती है। आज ये जो कदम हम उठा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी सारी महिलाओं को, ऐसी सारी बेटियों को, ऐसी सारी बहनों को मौका मिलेगा कॉलेज में पढ़ने का। उनकी पढ़ाई बीच में अब नहीं छुटा करेगी, उनको मौका मिलेगा दूर अच्छे स्कूल में जाने का। अगर किसी महिला को थोड़ी दूर काम पे जाना है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा बस का किराया कितना होगा। दिल्ली सरकार ने, आपकी सरकार ने आपके लिए किराया मुफ्त कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये एक ऐसा कदम है जो भविष्य बताएगा। तो ये इतना बड़ा कदम साबित होगा महिलाओं को बराबरी का के अवसर दिलाने की दिशा में।
बहुत बड़ा कदम साबित होगा। विपक्ष के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी सब कुछ फ्री करते जा रहे हैं, फ्री क्यों कर रहे हैं। जब मैं ये सुनता हूं तो थोड़ा सा मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे काम में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अच्छा काम देश के लिए, जब भी कोई अच्छा काम किया जाए उसमें सारे पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, देश तो अपना सबका है ना, पार्टियों से ऊपर उठ के सबको एक साथ आना चाहिए। जैसे आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था कि अगर 100 रुपए ऊपर से चलते हैं तो 15 रुपए नीचे पहुंचते हैं, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 85 रुपए भ्रष्टाचार। और राजीव गांधी जी ने 30-40 साल पहले बोला था, 1986 में बोला था उन्होंने ये कि 85 रुपए जो है भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 15 रुपए जनता पे खर्च होते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने आपके टैक्स के 85 रुपए चोरी होने से बचा लिए, बस ये किया है मैंने। अब ये 85 रुपए जो चोरी होने से बचाए मैंने, इन 85 रुपयों में से 75 रुपए मैं आपके स्कूल बनाने में खर्च कर देता हूं, मैं आपके अस्पताल बनाने में खर्च कर देता हूं, आपकी सड़कें बनवा रहा हूं, सारी कॉलोनियों में सीवर की पाइपलाइन डलवा रहा हूं, नालियां बनवा रहा हूं, गलियां बनवा रहा हूं, पानी की पाइपलाइन डलवा रहा हूं। ये सारे काम जो 85 रुपए भ्रष्टाचार से बचाए मैंने, उसमें से 75 रुपए इस पे खर्च कर देता हूं काम करवाने पे, और जो 10 रुपए बचे उससे आपकी टिकट फ्री कर देता हूं, उससे आपकी बिजली सस्ती कर देता हूं, उससे आपका पानी सस्ता कर देता हूं, उससे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल में पढ़ाई मुफ्त कर देता हूं, उससे आपके अस्पतालों में दवाइयां टेस्ट मुफ्त कर देता हूं, उससे हम ऐसी योजना ला सकते हैं कि दिल्ली में अगर किसी का भी एक्सीडेंट होगा तो दिल्ली सरकार उसका सारा इलाज मुफ्त कराती है। तो अगर मैंने जो 85 रुपए भ्रष्टाचार में जा रहे थे उनको बचा के कुछ पैसे से आपके स्कूल अस्पताल बिजली पानी सीवर लाइन डलवा दी, और कुछ पैसे से आपको सहूलियत दे दी, आपकी बिजली सस्ती कर दी, आपका पानी सस्ता कर दिया, आपको आपको फ्री ट्रैवल यात्रा फ्री कर दी, इसमें मैंने गलत क्या किया? मैंने तो भ्रष्टाचार रोका है ना, तो फिर मेरा इसका तो स्वागत होना चाहिए, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के इसका सबको स्वागत करना चाहिए। और ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पहले ऑफिसर था, तो ये सरकार कैसे चलती है, ये हिसाब किताब इनका, ये मुझे अच्छी तरह समझ आता है। इसलिए हम सब मिलके इतना सारा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को मैंने अंदर से देखा है, इसको सबको मैं अच्छे से पहचानता हूं। कुछ लोगों की मांग है कि स्टूडेंट्स के और वृद्ध सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए भी टिकट माफ की जाए, जरूर करेंगे, लेकिन पहले महिलाओं से शुरुआत की है। आने वाले समय में एक बार इसको करके देखते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे भविष्य में उसको उनके लिए भी करेंगे। सारी चीजें एक तो एक साथ नहीं होती ना। आज महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी ये है कि आज सारी बसों में, हर बस में बस मार्शल है, तो एक तरह से जितने ये लोफर घूमते हैं बसों के अंदर, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जेब काटते हैं, गलत काम करते हैं, उनको आज मैं चेतावनी दे रहा हूं, बच के रहना, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब हर बस के अंदर एक बस मार्शल है हमारी महिलाओं को रक्षा देने के लिए। तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे जी बस यात्रा फ्री करने से महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी, अब हमारी बसें सुरक्षित होंगी और सुरक्षित बसों के अंदर हमारी महिलाएं सफर करेंगी। तो मैं फिर से महिलाओं को बहुत बहुत, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटियों को, हमारा ये जो दिल्ली है ना 2 करोड़ लोग, ये अपना एक परिवार है, और इस परिवार की जितनी अपनी माँ बहनें बेटियां हैं उन सबको आज मैं भाई दूज के अवसर पे इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं पूरा यकीन करता हूँ कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिना महिलाओं के आगे बढ़े देश आगे नहीं बढ़ सकता। जय हिंद।